आपका टाइम इम्पोर्टेंट हो जाएगा. सो रिमेम्बर, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट टाइम इज वेरी मच अ थिंग दैट यू कैन नॉट बाय. आप सब कुछ खरीद सकते हैं. अब कोई यहाँ पर कहेगा खुशी को क्या खरीद सकते हैं? हाँ, मैं कहता हूँ खुशी को खरीद सकते हैं. आप नींद को नहीं खरीद सकते, पर नींद की पिल्स तो खरीद सकते हैं. आप कंफर्ट को नहीं खरीद सकते, पर अच्छा बेड और अच्छे कपड़े तो खरीद सकते हैं. आप खरीद सकते हैं सब कुछ और आप जी भी सकते हैं सब कुछ, पर टाइम, गुजरा हुआ टाइम कभी नहीं आता, गुजरा हुआ टाइम कभी नहीं आ सकता. आप मेरी बातें लिख लें. आज का जो आपका दिन है, ये दिन दोबारा जिंदगी में ना आ सकता है और ना कभी आएगा. आज आप में से यहाँ पर कितने साल के बंदे होंगे, एवरेज मुझे बताएं. ज्यादातर छोटे से शुरू करते हैं. कितनी एज होगी आपकी, ये जो फ्रंट रो है आपकी कितनी होगी ज्यादा से ज्यादा एज? 12, 10, 11, 13. जितना भी आप अगर जाएं, आज जिस दिन तक आपकी जो उम्र है, आपका जो एक्सपीरियंस है, ये दिन दोबारा कभी नहीं आने वाला. तो आप याद रखें, जिंदगी के अंदर सबसे बड़ी चीज से ये खौफ करें कि जब आप पूरी जिंदगी मेहनत करें और जिंदगी के बाद कोई याद करने वाला नहीं रहे, कि जब आपकी कब्र को और कोई नहीं बैठे, बस सिर्फ आपके कुछ रिश्तेदार, और वो भी कुछ सालों बाद आपको भूल जाए. मेरे सामने मैंने बड़े बड़ों को ऐसे मरते हुए देखा है. बड़े बड़े लोग मरने के बाद कोई याद नहीं रहता, कोई उन्हें ना देखता है, ना कोई उनसे बात करता है. तो देखिए, एक बार आप अपनी जिंदगी में कुछ करके दिखा दें, एक बार आप अपनी जिंदगी में लोगों को दिखा दें, अपने माँ बाप को प्राउड करें. आपके माँ बाप ने आपके लिए ख्वाब देखे हैं, आपके माँ बाप ने आपके लिए फ्यूचर देखा है कि मेरा बेटा ऐसा करेगा, मेरा बेटा ऐसा करेगा, मेरा बेटा ऐसा बनेगा. उन्होंने ख्वाब देखे हैं आपके लिए, उन्होंने आपके लिए फ्यूचर देखा, उन्होंने आपके लिए मेहनत की है. आज अगर आप यहाँ पर बैठे हैं, आज अगर आप, आपकी स्कूल फीस कोई आसान काम नहीं है. मैं खुद कमाता हूँ, मुझे समझ में आता है कि कितनी ज्यादा मेहनत की बात होती है. दिन रात सुबह उठकर 9 to 5 जॉब करके वो घर आते हैं, फिर घर के अंदर आपकी फरमाइशें पूरी करते हैं, आपको स्कूल वो भेजते हैं, आपका ट्यूशन वो करते हैं, कुरान पाक का पढ़ाई सब कुछ वो आपके लिए करते हैं. उन्होंने आपके लिए ख्वाब देखे होते हैं, और अगर आप उनके साथ ऐसा करते हैं तो आप ना सिर्फ उनके साथ ये कर रहे हैं, बल्कि आप अपने साथ जुल्म कर रहे हैं. आप उनके ख्वाबों को तो नहीं, बल्कि आप अपने आप को तोड़ रहे हैं. और फिर जब आप ऐसा करेंगे तो कभी आपको कोई माफ नहीं कर पाएगा. तो अपनी लाइफ को थोड़ा सीरियस लें. ये दोस्तियां जो स्कूल के अंदर है, ये जो यारियां हैं, ये जो यहाँ पर ये जो मजा है और जोक्स है और जो फन है, ये एक वक्त तक रहेगा. स्कूल के बाद ये जो आपके यहाँ पर ये जो क्लासमेट्स बैठे हैं ना, आप इनमें से कोई आपको याद ही नहीं रहेगा. मैं हूँ, मैं स्कूल चेंज किया क्योंकि मुझे इस्लामाबाद में रहना था फॉर माय फ्यूचर वर्क, क्योंकि हेडक्वार्टर्स यूजुअली आर इन इस्लामाबाद. तो जब मैं पिशावर से शिफ्ट हुआ, ऐसे दोस्त थे कि बस कुछ ही महीनों के अंदर भूल सा गया. हाँ, कुछ थे खास जो दिलों के अंदर अभी भी रहते हैं, पर भूल गया उन्हें, भूल गया, कोई अहमियत ही नहीं रही. और आप भी ऐसे हैं, आप भी ऐसे हैं, आप भी ऐसे, सारे ऐसे ही हैं. कल को जब वक्त बदलेगा, आप में से ये कोई दोस्त आपके काम नहीं आएगा, आपको ये दोस्त कोई मदद नहीं करेंगे. जब आप बड़े हो जाए, तो बड़े होने के बाद फिर भी वो अलग बात है. अब कोलीग्स में अलग बात है. आप ये जो अभी जोक्स एक दूसरे को मार रहे हैं, अभी जो एंजॉयमेंट कर रहे हैं, कल को आप इसी बात पे पछताएंगे कि काश कि हमने थोड़ा कुछ सीरियस ले लिया होता, हम लोग कुछ करके दिखा देते, कुछ अच्छा बन जाते. देखें, हम खाने वाले नहीं हैं. मुझे पता है बच्चों का ये बहुत बड़ा काम होता है, मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है. मुझे पता है कि भाई यहाँ पर सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि घर जाकर जो है माँ बाप से काफ़ी ज़्यादा बात करते हैं, माँ बाप से काफ़ी सवाल पूछते हैं. स्कूल आकर क्यों बंद हो जाती है ये बोलती? टीचर के साथ तो फिर भी आप कर लेते हैं, पर जब ऐसा मौका आता है तो क्यों बंद हो जाते हैं, क्यों नहीं बोलते? आपका हक है. यहाँ पर जो आ रहा है वो आपसे जो है आपका टाइम, उसने जो है अपना टाइम निकाल कर आया, तो आप अपना हक अदा करें. उसका भी हक है कि वो आपसे आपके सवालों का जवाब दे, वो अपने टाइम को ज़ाया ना करे. और आपका भी हक है कि आप उससे सवाल पूछें. सवाल पूछने में कभी शर्म नहीं आनी. और मुझे पता है यहाँ पर कोई अफलातून नहीं है. अगर आप में से सब अफलातून होते तो आप यहाँ पर नहीं होते, आप यहाँ पर होते, यहाँ पर मेरे साथ खड़े होते और मेरे साथ बात कर रहे होते. आप अफलातून नहीं है, आप स्टूडेंट है. स्टूडेंट का काम यही है, उसे कुछ पता ही नहीं होता, इसीलिए तो वो सीख रहा है. तो आप सब लोग सीख रहे हैं. सो
सवाल करने से कभी नहीं डरना, सवाल करना हर एक बच्चे का हक होता है।